हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स एसपीसी। रोटेशनल मोशन का एक क्वेश्चन। एबीसी इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल विद ओ एज इट्स सेंटर। F1 वेक्टर, F2 वेक्टर, F3 वेक्टर रिप्रेजेंट द थ्री फोर्सेस एक्टिंग अलोंग दी साइड ए बी बी सी एंड ए सी रेस्पेक्टिवली। देखो, ए बी के अलॉन्ग F1 लग रहा है, ए सी के अलॉन्ग F3 और बी सी के अलॉन्ग F2। इफ द टोटल टॉर्क अबाउट ओ, ये गिवन गिवन है, जीरो है। द मैग्नीट्यूड ऑफ F3 इज पूछ रहा है। तो टोटल टॉर्क अबाउट पॉइंट ओ जीरो हमें क्वेश्चन में गिवन है। आपको क्या करना है, ओ पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकाल लीजिए और उसे जीरो पुट कर दीजिए, सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। अब टॉर्क निकालने में दो कंसेप्ट है, एक तो टॉर्क के डायरेक्शन के बारे में पता होना चाहिए जिससे प्लस माइनस डिसाइड होगा। तो टॉर्क के डायरेक्शन निकालते हैं आर क्रॉस एफ। आर क्रॉस एफ के डायरेक्शन निकालना आनी चाहिए आपको, क्रॉस प्रोडक्ट के डायरेक्शन निकालने आने चाहिए, जो कि राइट हैंड रूल से निकालते हैं, राइट हैंड थंब रूल से निकालते हैं। आर वेक्टर से एफ वेक्टर के अपनी फिंगर को क्या करना है, छोटे एंगल से कट करना है, ठीक है। एक दूसरा, इसका मैग्नीट्यूड लिखना है अगर मेरे को, तो इसका मैग्नीट्यूड लिख सकते हो आप। वैसे तो आर एफ साइन थीटा होता है ऐसे मैग्नीट्यूड टॉर्क का, बट आप ऐसे लिख सकते हो आर परपेंडिकुलर एफ, आर परपेंडिकुलर एफ। मैं इसका यूज करूंगा, तो देखें कैसे करें। देखो, टॉर्क लिखें अबाउट पॉइंट ओ, तो यहाँ पे एक तो टॉर्क F1 का लिखना होगा, एक टॉर्क F2 का लिखना होगा, ये वेक्टर फॉर्म में होना चाहिए ऐसे। एक टॉर्क हमें F2 का और एक टॉर्क हमें F3 का, क्योंकि हमें साइन ही पुट करना पड़ेगा, टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो टॉय ओ के अबाउट तो जीरो है बेटा। अब F1 का टॉर्क निकालना है, तो F1 कहाँ है आपका, ये रहा। तो इस किस पॉइंट के अबाउट निकालना है, ओके, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, इसकी लाइन ऑफ एक्शन ला लीजिए फोर्स की। ये F1 की मैंने लाइन ऑफ एक्शन ला ली, और इस पॉइंट ओ से इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए होगी हमें, ये वाली एन। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इसी को मैं आर परपेंडिकुलर बोल रहा हूँ, ओ एन। तो ये वाला फॉर्मूला लगा रहा हूँ, आर परपेंडिकुलर इंटू एफ। तो फोर्स हो गया F1 और परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई आपकी ओ एन। अब मेरे को ओ एन निकालना पड़ेगा, लेकिन मैं ओ एन तो मैं निकाल दूंगा, लेकिन पहले आप दर्शन देखिए बेटा इसकी। तो देखो, इस ये हमेशा ओ पॉइंट के अबाउट निकाल रहे हैं, तो ओ पॉइंट पर टेल रहेगा और हेड पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स पर रहता है, ठीक है। तो ये हेड है, तो ये आर वेक्टर की डायरेक्शन हो गई बेटा आपकी, आर परपेंडिकुलर। तो इसको आगे एक्सटेंड कर सकते हो आप ऐसे, क्योंकि तो टेल टेल एंगल लेना होता है, ये 90 डिग्री हो गया हमारा एंगल। अगर आर और एफ के बीच में एंगल भी देखें तो 90 डिग्री है, तो इसलिए आर एफ आएगा, ठीक है। अच्छा, अब आर क्रॉस एफ निकालना है, तो देखो दर्शन दिखाना आना चाहिए। देखो, आप आर वेक्टर की दर्शन में अपनी फिंगर रखिए, दिख रहा हो आपको मेरी फिंगर आर वेक्टर की दर्शन में, और थंब 90 ऐसे छोटे एंगल से आर से एफ की तरफ घुमाइए। देखो, एफ इधर ही आपका, एफ वेक्टर इधर ऐसे है, तो आर क्रॉस एफ करना है आपको। आर से आपकी फिंगर छोटे एंगल से एफ की तरफ घूमनी चाहिए, थंब इधर आए वो आर क्रॉस एफ की दर्शन होगी, दैट मीन्स टॉर्क की दर्शन होगी। तो ऊपर की तरफ आ रहा है, तो इसीलिए ऊपर की तरफ आ रहा है, तो इसे यहाँ डॉट बना देता हूँ। जब ऊपर आए तो टॉर्क पॉजिटिव मानते हैं, ठीक है। अब F2 का टॉर्क देख लें, प्लस F2 का है आपका ये का। तो देखो, यहाँ से इसी के अबाउट निकालना है, तो इस जगह पर टेल होना चाहिए और इस फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन ये हो गई, और इस पर परपेंडिकुलर कर लो, तो ये वाला, और ये डिस्टेंस सिमेट्री से बराबर होने चाहिए, ठीक है। नहीं तो ये आर परपेंडिकुलर हो गया आपका, ये इसको एक्सटेंड कर सकते हो आप। इसमें दर्शन निकालो, तो कॉपी में घुमा ली, आर क्रॉस है, तो ये देखो ये आर की दर्शन हो गई आपकी, और एफ इधर की तरफ लग रहा है, देखो ये दिस इज द दर्शन ऑफ ये। तो ऐसे ही हाथ रख के, आर की दर्शन में हाथ रख के, और छोटे एंगल से एफ की तरफ घुमाया, थंब की तरह आ रहा है ऊपर, तो इसका भी टॉर्क पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि तो इसकी दर्शन भी ऊपर की तरफ आ रही है, ठीक है। तो मैं इसको लिख लेता हूँ F2, और इसको मैं यहाँ डाल देता हूँ कितना, एम ओ एम, ठीक है। और ये भी पॉजिटिव होगा, क्योंकि तो इसकी दर्शन भी ऊपर आ रही है, प्लस। अब बचा F3 हमारा, तो देखो इससे इस पर इसकी लाइन ऑफ एक्शन ये हो गई, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखें तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई, ये 90 डिग्री होना चाहिए, ये देखो ये, इसको भी एक्सटेंड कर लेंगे हम ऐसे, ये इसका आर परपेंडिकुलर हो गया, और इसे हम एम डाल लिया, के डाल लेते हैं, ठीक, कुछ भी डाल लो, पॉइंट डाल लिया, ठीक है। तो इसकी भी दर्शन निकालें, देखें, लेकिन इस फोर्स की दर्शन इधर नहीं है, देखो इधर की तरफ है, देखो इस फोर्स की दर्शन ये नहीं, ये F3 वेक्टर। तो आपको ऐसे रखोगे ना आप हैंड ऐसे आर वेक्टर दर्शन में, लेकिन फोर्स इधर नहीं है, इधर कहाँ है दर्शन, तो इधर है ना फोर्स की बेटा, ये तो इधर ही तो है बेटा, दर्शन को देखो आप, फोर्स की दर्शन ये है,
इसीलिए ऐसे एंड नहीं रखेंगे आप, ऐसे घुमाएंगे तो बड़े एंगल से घूमेगा। देखो ऐसे ये आर हो गया, ये आर वेक्टर, तो ये ऐसे घूमेगा, बड़ा एंगल से नहीं घुमाना है, आर से है, छोटे एंगल से घुमाना है, इसलिए हैंड उंगली थंब आपका नीचे की तरफ जाएगा और आर वेक्टर की दर्शन में आपका फिंगर, और छोटे एंगल से घुमाएं तो आर से एफ, ऐसे घुमाएंगे। देखो ऐसे एफ इधर ही तो है बेटा इधर, तो ऐसे घुमाएंगे तो डाउनवर्ड आ रहा है, कैसा आ रहा है डाउनवर्ड, और डाउनवर्ड आ रहा है तो इसीलिए इसका टॉर्क नेगेटिव होगा, इसलिए यहाँ पर माइनस लगा दूंगा। और कितना लिखूँ, F3 इंटू ओके, और ये डाउनवर्ड आ रहा है और नेट टॉर्क जीरो है बेटा, नेट टॉर्क जीरो है। चलिए अगर ऐसा हो गया, क्योंकि टॉर्क की जो वेक्टर क्वांटिटी, इसे सिंपली ऐड नहीं कर सकते, दर्शन दिखा के नहीं किया ना मैंने, ठीक है, तो इस वाली कंडीशन में क्या करें, इसको इधर ले आए, F3 OK इज इक्वल टू F1 ON प्लस F2 ON। अब ज्योमेट्री से देखेंगे ना तो ओके ON और OM ये तीनों इक्वल होंगे बेटा, कितनी होंगी अगर आप वो चाहते हो तो भी मैं वो भी मैं बता दूंगा अभी, अभी इक्वल होंगी। अगर इक्वल होंगी तो आप यहाँ ले सकते हो F3 ON और यहाँ से F1 ON प्लस F2 ON, और कॉमन लेके नहीं, ON से कैंसिल कर दो, ये F1 प्लस F2 और ये F3 ON, ON से ON कैंसिल, देन F3 इज इक्वल टू F1 प्लस F2, ये देखो ये आंसर हो गया, इसकी चॉइस हो गई आपकी सी। अगर आपको ये पता करना है कि कितना होगा, तो ये देखो ज्योमेट्री है सिंपल सी इक्विलेटरल ट्राइंगल की, लेकिन इसमें साइड ही तो नहीं दे रखी, तो फायदा थोड़ी होगा उसका कुछ। अगर इसकी साइड ए है तो ये आपका सेंट्रॉइड है ट्राइंगल का, तो ये एंगल 60 डिग्री होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल में, और ये इसकी बाइसेक्टर होता है 30 डिग्री, और ये वाला भी इसका बाइसेक्टर होगा, ऐसा नहीं, ये 90 डिग्री आएगा और ये साइड आ जाएगी A/2 ये वाली। अगर मेरे को कौन सी डिस्टेंस चाहिए, ये वाली, ये अगर इसको एक्स मान लें या फिर एन डाल रखा था ओ एन, अगर ये निकालना है तो साइड दे रखी होती तो साइड के टर्म में निकाल लेता, यहाँ पे साइड ही गिवन नहीं तो निकाल के फायदा क्या है, ठीक है। तो अगर फिर भी निकालना है तो देखो कैसे निकालता मैं, किसको एक्स को निकालना चाहता हूँ तो टेन लगा देता, 10 30 परपेंडर हो गया आपका एक्स, दैट मीन्स ओ एन डिवाइड बाई बेस हो गया A/2, तो मैं एक्स इक्वल टू निकाल लेता A/2 10 30, ऐसे तो A/2 10 30 की वैल्यू 1/√3 ऐसे। अब ए सबका सेम है, देखो ट्राइंगल है, साइड तो सबकी सेम ही होगी बेटा, अब ज्योमेट्री भी यही होगी, सब वैल्यू ये बराबर आएंगे आपस में, ठीक है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं क्योंकि साइड क्वेश्चन में गिवन नहीं और जरूरत भी नहीं हमें, तो करने का कोई मतलब नहीं इसको, ठीक, पढ़ते रहिए और खुश रहिए, थैंक यू।